अस्सलाम वालेकुम माय डियर मेंबर्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट एंड गुड। आई एम हाजर योर अपलाइन स्पॉन्सर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जिस काम में हैं, जिस बिजनेस में हैं, उसमें हमें अच्छी प्रोफेशनल पोस्ट बनाना, डील्स बनाना, रिक्रूटमेंट्स एड बनाना, ये हमें मस्ट आने चाहिए। और ये हम बनाएं कैसे, ठीक है? इसके लिए जो सबसे हम यूज़ करते हैं, यूजली हम यूज़ करते होते हैं, वो है कैनवा, पिक्स आर्ट, ये है, और पिक्सल लैब, ये सारे जो हैं ऐप्स हम यूज़ करते होते हैं इसके लिए, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए ऐसा ऐप लाई हूँ, ऐसा इंट्रोड्यूस करूँगी, एक ऐसा ऐप है वो जो कि बहुत ज़बरदस्त है। और चलिए हम उस पर काम करते हैं, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करते हैं काम। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाएंगे और हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये है पोस्टर मेकर, फ्लायर मेकर इसका नेम है। तो सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ है, मैं इसको ओपन करूँगी। ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये पोस्टर मेकर। तो इसको मैंने, मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन करूँगी। सिर्फ आपने इंस्टॉल इसको कर लेना है पहले, अगर आपके पास नहीं है तो आप, हम इसको ओपन करेंगे तो ये इसकी लोडिंग हो रही है। तो इसमें हम करने वाले हैं ये कि हम इस पर बनाएंगे, मैं आपको एक पोस्ट बनाना, एक ट्रीटमेंट बनाने के दिखाऊंगी कैसे हम कोई भी पोस्ट, कोई भी डील बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं। आखिर में जाके आपको मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगी जो कि यहाँ पे हम, मैंने बनाया है, ठीक है? तो ये देखिए, हमारे पास अगर इसके होम पेज में जाएँ तो हमें यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, जो कि यहाँ पर जिन पर प्रो लिखा हुआ, आपने उस पर क्लिक नहीं करना, आपने जस्ट जो आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है उसी पर आपको उसको क्लिक करना है, ठीक है? एडिट कर सकते हैं। वैसे तो मैं यहाँ से कोई भी उठा के इसको एडिट कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ऐसी कोई भी पोस्ट कैसे बना सकती हूँ, ठीक है? तो चले मैं ये इंस्टाग्राम का ये 4.5 वाला निकालूँ कि पेज, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक ब्लैंक पेज लिया है, न्यू पेज है, तो उस पर मैंने अब यहाँ पे मैं कोई भी डील बनाऊँगी, ठीक है? सबसे पहले मैं करती हूँ यहाँ पे, करना चाहूँगी इसका कलर चेंज करूँगी, बैकग्राउंड कलर, ठीक है? कोई सा भी मैं इसको ले सकती, पैटर्न ले सकती हूँ मैं यहाँ से मैं ये ग्रेडियंट है, ये देखें, ये ज़बरदस्त है, ये भी यहाँ से मैं कोई लाइट सा ले सकती हूँ, ठीक है? ये देखें, ये भी ज़बरदस्त है। ये आगे जो है ना, ये पेड है जो इस तरह है, वो आप ले सकते हैं। तो चलें, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो इसी को मैं ले कर चलूँगी आगे। तो चलें, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं पिम्पल्स ट्रीटमेंट, ये टेक्स्ट में जाकर लिखना है, ठीक है? मैं ये बनाने लगी हूँ, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगी। और इसका फ़ॉन्ट देखें, हम इससे मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट लगा सकती हूँ। ये देखें, ये भी अच्छा लग रहा है, और ये अगर हो, ये भी अच्छा है पिंपल्स ट्रीटमेंट के हवाले से, तो ये हो गया, ठीक है? ये मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया। और आगे अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करूँ इसका, तो देखिए, मैं इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकती हूँ, कोई सा भी लाइट डार्क कलर इसी के से रिलेटेड, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ। तो चलें जी, अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, ऐसे कर दूँ, ये वाला, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है, तो ये हो गया। अब आगे मैं इमेज ऐड करना चाहूँ, ज़ाहिर है ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं तो हमें, हमारे पास इमेज भी तो होनी चाहिए ना कि कौन सा ट्रीटमेंट है, प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, नज़र आए वो प्रोडक्ट्स को। देखिए, मैं यहाँ पे गैलरी में जाऊँगी, तो यहाँ से मैं ऐड करूँगी इमेज को, ठीक है? कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, पिम्पल्स का कौन कौन सा ट्रीटमेंट होता है, तो यहाँ पे चले गए, यहाँ से मैं आऊँगी यहाँ पे स्क्रीन शॉट्स में, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स की स्क्रीन शॉट्स ली हुई हैं, तो यहाँ से मैं उनको उठा लूँगी। अभी ये थोड़ी सी वर्किंग हो रही है, देखें, पहला है फेस वॉश होता है, ये ऑयली स्किन का ट्रीटमेंट है, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, किस स्किन टाइप के लिए आप कर रहे हैं, डील बना रहे हैं। तो चलें जी, ये हो गया यहाँ पे, ये इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूँगी, ये हो गया। और दूसरी इमेज मैं ऐड करूँगी, कौन सी जो दूसरी प्रोडक्ट मैं दूँगी, वो ये है इसका नोवेज ब्लैमिज करेक्शन, ठीक है? ये यहाँ पर जाऊँगी और ये इसको सेलेक्ट करूँगी, इसको करूँगी मैं क्रॉप, ठीक है? तो यहाँ से ये हो जाएगी क्रॉप, इसको डन करूँगी, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगी यहाँ पे ऐड, तो ये हो गया ऐसे यहाँ पे। तो चलें जी आगे, अगर इसमें कौन सा पिंपल ट्रीटमेंट है ये, तो ये कौन, ये ट्रीटमेंट क्या करता है, कैसे इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, तो मेरे पास ये भी है। यहाँ से मैंने, मेरी एक मेम्बर हैं, उन्होंने अपनी कस्टमर को दिया था, तो ये रिव्यू आया था उनका, तो यहाँ से मैं रिव्यू भी लेके यहाँ पे एडिट कर दिया मैंने, ठीक है? ये अब मैं थोड़ा सा इसको प्रोफेशनल बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, यहाँ पे देखें, मुझे अच्छा लगता है शेडो लगा हुआ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है ये, ठीक है? तो आप भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये इस पर मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है ये, तो मैं लाजमी लगाती होती हूँ। जब मैं आखिर में आपको अपने प्रोडक्ट्स, सॉरी प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगी, तो आप वहाँ पे भी चेक कर लीजिएगा। देखें इनको, इसको भी मैं बढ़ा दूँगी, इसके शेडो को, और यहाँ से इसको भी, ये हो गया।
ये चीज़ है। इसका थोड़ा सा शेडो और मैं बढ़ा देती हूँ डाउनवर्ड में एंड साइड वाले भी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका ट्रीटमेंट। चलें इसका मैं ऐसा करती हूँ, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी इनके साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, तो मैं ऐसा करती हूँ कोई सा भी ना कलर चूज़ कर लेती हूँ इसी ट्रीटमेंट के हवाले से। देखें ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी थोड़ा सा लाइट कलर होता कि ये हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो सही से शो हो जाए, तो ये चीज़ है। इसी तरह इसका बैकग्राउंड में जाकर भी मैं थोड़ा सा कलर जो है वो चेंज कर दूँगी। देखें ये वाला देखो तो ये भी ठीक है। आगे हम यहाँ पे ऐड करूँगी, मैं नेम ऐड करूँगी इन प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगी, इसका नेम है प्योर स्किन डीप क्लीन फेस वॉश। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर दूँगी ताकि ये वहाँ पे जाके अच्छा लगे, और यहाँ पे मैं इसको करूँगी यहाँ पे ऐसे ताकि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगे, ठीक है। ये इसका फॉन्ट स्टाइल मैं चेंज करूँगी, तो आप यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह में कोई सा भी अच्छा सा फॉन्ट लेना है आपने, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे नीचे रिव्यूज़ वाले मैं रिव्यूज़ लिख लूँगी कि ये रिव्यूज़ हैं आए हैं हमें मिले हैं, तो यहाँ से मैं इसका भी कर दूँगी फॉन्ट स्टाइल जो है चेंज कर दूँगी थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ पे, ये हो गया। इसका फॉन्ट मैं चेंज करूँगी यहाँ से, ये आपको ये, और जो इसका स्टाइल है बोल्ड इसको कर दूंगी, ठीक है। ये भी देखें ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, ये इतना ठीक है। आगे इसका नोवेज ब्लेमिश करेक्शन का नेम लिखेंगे हम, ये हो गया नोवेज ब्लेमिश करेक्शन, ठीक है। ये है, इसको भी हमने करना है थोड़ा सा, इसको करेक्शन को नीचे कर देंगे तो ये यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे इसका भी हम फॉन्ट स्टाइल करेंगे चेंज इन्हीं के, क्योंकि अलग अलग फॉन्ट स्टाइल नहीं लगाने हैं, जैसे ही लगाने हैं ताकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल ही लगे कोई भी। हाँ ये ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे मैं कैसे अपना जो है लगा सकती हूँ, मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर हो या मेरा इंस्टाग्राम की आईडी हो, तो वो देखें यहाँ पे ऐड इमेज करूँगी, यहाँ पे चूज इमेज में गैलरी में जाऊँगी, वहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं डाउनलोड्स में है एक, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास ना पीजी फॉर्म में है ये वाले आइकन्स, तो मैं आपसे इंस्टाग्राम का उठाऊँगी तो देख सकते हैं आप। इसको मैं करूँगी क्रॉप और ये आ गया है यहाँ पे, ये इसको छोटा कर दूँगी, साथ ही टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट में जाके मैं ऐड आस्ट्रा डॉट क्लैम, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सॉरी ये तो नीचे आ गया, इसको यहाँ पे एडजस्ट ही करेंगे, यहाँ पे कर दूँगी मैं इसको, ये इसको मैं अगेन एडजस्ट करूँगी जिस तरह ये पहले था अच्छा सा, ठीक है। इसका मैं फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करूँगी, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा बहुत बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही, ना ही इतनी ये वीडियो हो जाएगी। इसी तरह व्हाट्सएप का भी ऐड कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। यहाँ पे चले मैं लिख दूँगी एक के पिम्पल्स ट्रीटमेंट फॉर ऑयली स्किन, ठीक है, ऑयली स्किन टाइप, ये मैंने लिख दिया है इसको यहाँ पे जी। चलें इसको मैं करूँगी, इसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगी मैं, इसका कर देंगे कोई भी प्यारा सा, ये चलें ये भी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, प्यारा लग रहा है। अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ, अपना लोगो भी मैं लगा सकती हूँ ऐसे। यहाँ यहाँ पे मैं करूँगी, आपको मैं दिखा देती हूँ कैसे मैं अपना लोगो लगाऊँगी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह आपने भी अपना प्यारा सा लोगो लगाना है, मस्ट लगाना है आपने, ठीक है। ये देखें ये है, ये इसको मैं लगाना है आखिर में, ये लगाते होते हैं क्योंकि इसके बाद कोई भी हम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इसकी ओपेसिटी मैं कर दूँगी कम, तो इसको आखिर में मैं बताऊँगी। अच्छा यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना भी है, मैंने देखें ये यहाँ पर पता चल रहा है कि ये मेरा है, ठीक है। यहाँ पे
इससे भी आप कम कर दें, जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, लेकिन हमारी पोस्ट है हम इंस्टाग्राम पे आराम से डाल सकते हैं और कोई कॉपी भी करे तो उतना वो नहीं होगा, हमारी टीम में ये शेयर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें हम ग्राफिक्स को देख लेते हैं, तो ग्राफिक्स में अगर हम देखें तो हमारे पास ये हमारी जो बेस्ट चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, प्रोफेशनल लगती हैं, बिजनेस में जाएँ तो ये तो बहुत ही रिक्रूटमेंट ऐड की बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट लें, कोई भी अपना जो आपको अच्छा लगाए वो लें, मैंने जैसे मैंने यहाँ से बहुत से उठा के बनाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें हैं, आपको ये मिल जाएंगी, ये देखें ये फीमेल मॉडल्स हैं, मेल मॉडल्स हैं, कोई भी आप कर सकती हैं। यहाँ पे एक और जाएं तो यहाँ पे आपको मिलेगा मोबाइल, मोबाइल में देखेंगे तो आपको ये देखेंगे ये बहुत अच्छा है, अगर हम लगाएं अगर रिक्रूटमेंट ऐड में बहुत अच्छा ये लगेगा। इसी तरह हम जाते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर, मैं आपको दूसरी चीज़ शेप्स दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें शेप्स बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे देखें अगर मैं बेसिक शेप्स में जाऊँ तो मैंने शेप से भी काम किया हुआ है, अच्छी लगती हैं ये, प्रोफेशनल लगती हैं। आपने ना ये भी लोडिंग हो रही है तो देखें मैं यहाँ से कोई भी शेप अच्छी सी उठा सकती हूँ। चलें जी मैं एक उठाऊँगी, देखें कितनी ज़बरदस्त है ये, अच्छी शेप्स हैं, अच्छी हैं, आप कर सकती हैं, इनको उठा सकती हैं, ले सकती हैं, स्टार्स बने हुए, हार्ट्स बने हुए हैं, तो इसी तरह आपने इसको ट्राइंगल्स हैं, कलरफुल शेप्स हैं आपको मिलेंगी। और वो आपको एक और चीज़ बनाती चलूँ, आप जब पोस्ट बनाएंगे ना स्टार्ट में तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पे एक लोगो बना हुआ होगा इसका, पोस्टर मेकर जहाँ पे लिखा हुआ होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे मैं प्रोजेक्ट्स बना सकी हूँ, बना चुकी हूँ, तो मेरे लिए इतना वो नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ तो मुझे अभी ये नहीं शो होता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम कॉपी करना चाहें तो ये देखें, इसको मैं यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करूँगी तो ये कॉपी भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरह ये चीज़ें आप जब चेक करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स इसके मिल जाएंगे, अच्छी बनी है। यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे, हम सेव कैसे कर सकते हैं, ओरिजिनल में करूँगी सेव इसको, मैं HDB करती होती हूँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट्स जो है वो लास्ट में आपको दिखाऊंगी। तो ये एड्स आते हैं, एड्स को आपने बिल्कुल जो है इग्नोर करना है, इन पे कोई नहीं करना क्योंकि ये एड्स, क्योंकि हम ऑनलाइन काम है ना, ये ऑनलाइन कर रहे हैं हम, तो इसलिए एड्स आते रहते हैं, तो आपने इसको बस स्किप कर देना है जिस तरह हम जो है वो YouTube में करते होते हैं। तो हम इस पे सेव पे अगेन क्लिक करूँगी, आई थिंक ये नहीं हुआ, हो सका तो इसको मैं कर लूँगी, बस सेव पे क्लिक करने से ये सेव हो जाएगा। देखें अब यहाँ से मैं डायरेक्ट शेयर भी कर सकती हूँ, मैं होम पेज पे अगेन जाऊँगी, मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं लास्ट में, ये देखें ये वही आ गया, ये एक्सप्लोर है, यहाँ से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं जो न्यू आते हैं वो वाले, देखें यहाँ पे अच्छे ज़बरदस्त हैं, फूड से, एजुकेशन से, ज्वेलरी से का, ये आपको हर तरह के मिल जाएंगे, इसके टेम्पलेट्स बने हुए, आप उसको री एडिट कर सकते हैं। अगर अच्छा मैं आपको बता दूँ कि मैंने कौन से एडिट किए हैं, देखें मैंने भी किया है, ये भी यहाँ पे आ चुका है, मैं इसको गेन एडिट भी कर सकती हूँ। देखें मैंने अभी ये सुबह ही किया था ये वाला, इसी तरह ये मैंने भी किया था, ये देखें जो मैं, ये बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं मैंने जो किए थे, ये बहुत ज़बरदस्त ऐड है जो मैंने बनाई थी, हायरिंग वाली रिक्रूटमेंट ऐड है। इसी तरह आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये देखें ये जो मैंने बनाए हुए हैं आप ये चेक कर सकती हैं, ये मैंने बनाए थे, आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा हो गए हैं अब तो, पहले बहुत कम काम करती थी मैं, ज़्यादा पिक्स आर्ट पे करती हूँ, कभी कभी कैनवा पे भी कर लेती हूँ, इसी तरह इन शूट पे भी है मेरे पास, लेकिन ये कि ये ज़बरदस्त है, ये न्यू है और अच्छा भी है, आप यूज़ करेंगी तो देखें, पहले मेरे पास नहीं है इसका, पोस्ट मेकर लास्ट पे शो होता था, लेकिन जो है वो पहले ये होता था कि हर इमेज में शो होता था, लेकिन क्या हुआ कि पहला जो होता था ना एडिट करती थी किसी को, उसमें नहीं था होता और बाकियों में होता था, लेकिन अभी किसी में भी नहीं होता क्योंकि मैं इसमें काफ़ी काम जो है कर चुकी हूँ। तो ये मेरे थे, तो इसी तरह आप यहाँ पे आराम से इजीली काम कर सकती हैं। उर्दू में भी देखें मैंने उर्दू में भी बनाए हुए हैं, तो आपने उर्दू भी लिख सकती हैं, आपके पास फोन्स हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, यहाँ से आपको मैं दिखा भी देती हूँ, अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे कॉपीट में जाऊँ, मेरे पास फोन्स है उर्दू में जो पड़ी हुई है, ये इसको मैं करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से उर्दू के फोन्स भी आप अपने भी ऐड कर सकती हैं, जैसे कि नूर जो है वो जमील नूरी वाला फ़ॉन्ट है, बड़ा ज़बरदस्त है वो लगता है, तो आप ना वो भी जो है यूज़ कर सकती हैं अपने इससे डाल के, गूगल से डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो चलें अब वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, स्किप करते हैं, तो अब इसको मैं सेव एज ड्राफ्ट में कर देती हूँ। तो ये चीज़ आपने इसको अच्छे से आप कर सकते हैं, मेरी तरह अच्छे से प्रोफेशनल बनाइए आप। अगर आपको पिक्स आर्ट यूज़ करने का नहीं पता तो मुझे बताएं, सब मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के बता दूँगी, इसी तरह कि कैनवा पे भी बहुत ज़बरदस्त, ये तो बहुत मशहूर है, यहाँ पे आप गूगल पे सर्च यूट्यूब पे भी गूगल पे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन ये न्यू ऐप है इसके बारे में इतना नहीं था पता, ये समझ लें कि ये मेरी जो है दरियाफ्त है। तो ये चीज़ है, आपने बस इस पर अच्छे से काम करना है, ठीक है। कोई भी इशू हो आप जो है वो मुझे पूछें, मैं आपको अगेन इसके अपने आप वैसे भी दिखा रही हूँ कि इस तरह के मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं, बनाए हैं, खुद से भी बनाए हैं, री एडिट भी किए हैं, आप भी कर सकती हैं। चले जी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।